ऑसर मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू माई चैनल वाई एम टूवर्ड्स लक्ष्य एंड इन नाउ टूडेज़ वीडियो आल बी डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर फोर क्लास नाइन्थ क्लाइमेट एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दिस इज़ पार्ट नंबर फोर राइट इससे पहले अगर आप मेरा वीडियो वन टू एंड थ्री देखेंगे तो यू गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दी जो टॉपिक्स जो हमने किए हुए हैं लाइक like किसी में फैक्टर्स एलिमेंट्स को डिस्कस करा है किसी में हमने मानसून uh, के बारे में करा है कि ऑन सेट ऑफ द मानसून एंड विदड्रॉल ऑफ द मानसून राइट नाउ आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे आई डिस्कस विद द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज़ अबाउट द सीजन्स हम सीजन्स के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सीजन्स कितने सीजन्स हैं एंड हम अपने कंट्री को लेते हुए यानी कि इंडिया से रिले uh, टेड हम बात करेंगे एंड हाउ दिस सीजन आर फॉर्म राइट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड आपके स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी राइट right? सो so, सबसे पहले जैसे एज वी आर अवेयर दैट इंडिया हम अपने कंट्री की बात करें इंडिया की तो इंडिया में किस तरह का हमारा सीजन है इंडिया में हमारा मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है ठीक है ना मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है हमारे कंट्री का एंड वी नो कि वी हैव डिफरेंट सीजन कई तरह के हमारे पास सीजन आते हैं वी हैव मानसून देन उसके बाद में यहाँ लिख देती हूँ कि हमारे पास एक विंटर आता है देन वी हैव समर वी हैव मानसून एंड देन वी हैव ऑटम राइट तो देखिए इसमें से हमने दो अभी बाद में मैं चलो आगे बताती हूँ आपको अभी हम इनसे डिस्कस करते हैं जैसे एक चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो कोस्टल रीजन वाले जो हमारा एरियाज़ होते हैं कोस्टल रीजन के एरियाज़ के अंदर ये वाले जितने भी जो एरियाज आते हैं दिस दीज एरियाज़ तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होते हैं सीजन्स में द रीज़न बीन कि ये पूरा का पूरा आपका अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन से आपका पूरा यू नो यहाँ पर ट्राइंगर इसमें पूरा ये पानी ट्री साइड से पानी है तो इसी वजह से यहाँ पर जो विंड्स ब्लो करती है वो अपने साथ यहाँ पर कॉन्स्टेंटली जो ठंडी जो विंड है वो ब्लो करेंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर ज़्यादा वेरिएशन हमको सीजन के अंदर नहीं मिलते हैं राइट नाउ अब लेट लेटर्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सीजन पहला हम सीज़न ले रहे हैं जो है कोल्ड वेदर सीजन राइट जिसको कि हम लोग बोलते हैं विंटर सीजन हम इसको कोल्ड वेदर सीजन या इसको हम विंटर भी बोलते हैं ना इसके देखिए मैं बड़ा इसको इजी में आपको शॉर्टकट के साथ समझाती हूँ जिसके कि आपके लिए इजी रहेगा सबसे पहले हमको पता है कि मिड नवंबर से लेकर फेबररी जो है हमारा वो विंटर सीजन होता है राइट इंडिया के अंदर बात कर रहे हैं हम एंड देन दिसंबर एंड जनवरी जो होता है ये सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट मंथ होते हैं राइट देन उसके बाद वन मोर थिंग कि जो टेम्परेचर जो होता है टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज़ होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की तरफ हम जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है और इसके ये होता है दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लेटिट्यूडनल चेंज जो मैं आपको पहले अपनी वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ लैटिट्यूडनल चेंज फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज़ आर अर्थ ये हमारा अर्थ है ये हमारा इक्वेटर है राइट right? और अब देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं ये नदन हेमिसफेयर हो गया ऊपर से सदन हेमिसफेयर हो गया जब हम लोग नीचे साउथ से ऊपर हाई उसकी तरफ जैसे जैसे हम लोग जाते रहेंगे जिस दिस जिससे जब ऊपर जाते रहेंगे तो टेम्परेचर हमारा क्या करेगा डिक्रीज होता रहेगा राइट अब देखते हैं हम कि विंटर के महीने में क्या होता है विंटर में किस तरह से क्या होता है वो अब इसके अंदर हम चेक करते हैं राइट तो सबसे पहले देखिए हम लोग विंड्स की तरफ आते हैं विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि विंड ही आ, सारे के सारे जितने भी सीजनस हैं उससे जो मेन रीज़न इज अबाउट विंड तो जो नॉर्थ वेस्ट जो हमारी नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड जो होती है राइट right. ये हमारी देखिए इसको सबसे पहले मैंने लिख दिया नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड देखिए नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो होती है इट प्रिवेल्स दी यू नो पूरा हमारा जो कंट्री है उसके ऊपर एंड ये जो ब्लो करता है दिस ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी ये ब्लो करती है हमारे लैंड टू सी और इसी वजह से क्या होता है कि कोल्ड विंड जनरेट करती है इन नॉर्थ आर्किटिक सर्कल देखिए ऊपर ये जो हमारा ऊपर का जो रीज़न है आर्कटिक या अंटार्कटिक तो यहाँ की तरफ जो आर्कटिक सर्कल है ये हमारा सिक्सटी सिक्स वन बाई टू डिग्री नॉर्थ ये ऊपर की तरफ जो ये हमारी नॉर्थ ईस्ट विंड जो ब्लो कर रही है और अगर ऐसे हम अपने कंट्री के अंदर भी देखेंगे तो अभी मैं आपको पूरा उसमें बना के ड्रॉ करके समझाऊंगी तो ईजी रहेगा आपके लिए तो ये जो विंड ब्लो करती है आर्कटिक सर्कल जैसे कि हमको पता है कि जो हमारा अर्थ है सपोज़ अगर ये हमारा अर्थ है ये हमारा अर्थ है ठीक है और ये हमारा सन है तो अब इस समय क्या होता है कि सन की तरफ आर्कटिक सर्कल जो है वो डायरेक्टली नहीं होता इसकी हीट जो है वो डायरेक्ट नहीं आती है जिसकी वजह से क्या होता है कि ये यहाँ पर अब जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के ऊपर अगर हमारी हीट फॉल नहीं कर रही है तो ऑब्वियसली कि यहाँ पर कोल्ड विंड्स आएंगी एंड बिकॉज ऑफ दी कोल्ड विंड्स ये जो है रीजन बहुत ही ठंडा हो जाता है एंड फिर बाद में ये जो विंड्स होती है ऊपर से नीचे की तरफ ब्लो आपके इक्वेटर की तरफ ब्लो करने की कोशिश करती है और लेकिन अब क्या होता है कि हम अगर अपने कंट्री हम यहाँ पर बात करते हैं ये देखिए ये हम मैं छोटा सा एक अपना कंट्री का अगर मैप इस तरह से बनाने की कोशिश करूँ यहाँ पर ठीक है एक रफ़ मैंने बना दिया है अब देखिए ये जो विंड आ रही है हमारे नॉर्थ अब ये क्या करती है कि ये हमारी इस तरफ से आने की कोशिश करती है जब ये ठंडी विंड्स आने की कोशिश करेगी अब कुछ विंड्स तो क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द हिमालया ये बरियर की तरह काम करता नहीं आने देती है बट देन देर आर फ्यू विंड्स जो कि नॉर्थ ईस्ट यहाँ नॉर्थ ईस्ट की जो विंड्स है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंडस ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड होती है हमारी ये क्या होती है कि ये साउथ की तरफ आने लग जाती है ये इस तरफ से आने लग जाएंगी साउथ की तरफ आने लग जाएंगी एंड दिस इज द रीजन कि साउथ के अंदर मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो चेन्नई है चेन्नई इज दी ओनली स्टेट जहां पर कि आपके विंटर्स के अंदर भी क्या होती है बारिश राइट right? और ये कुछ हद तक देखा जाए तो ये मानसून मतलब जो हमारे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है ये मस्ट है ज़रूरी भी है क्योंकि विंटर में बारिश कुछ काम की भी होती है बिकॉज दिस इज़ गुड फॉर राबी क्रॉप्स ना राबी क्रॉप्स यानी कि विंटर क्रॉप्स की हम बात कर रहे हैं खरीफ क्रॉप आर बेसिकली द समर क्रॉप ना विंटर क्रॉप्स में लाइक वीट हो गया बाले गया है ना मस्टर्ड एंड ऑल दीज आर वेरी वेरी गुड फॉर दीज टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ठीक है तो दिस इज अबाउट आर कोल्ड वेदर सीजन की किस तरह से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विन जो होती है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल ठीक है ना और इसी की वजह से इस तरफ हमारा कोल्ड वेदर भी होता है ठीक है नाउ लेट अस मूव टू दि सेकंड एंड सेकंड है हमारा हॉट वेदर सीजन नाउ हॉट वेदर सीजन जिसको कि हम लोग समर्स भी बोलते हैं है ना और समर्स इसको हम समर भी बोलते हैं और ये जो होता है जो हॉट वेदर सीजन जो होता है अब देखिए क्या होता है कि अब हमारा ये ये आ गया sun, ठीक है दिस और ये लेट से कि हमारी अर्थ है तो अब उसमें क्या था कि यहाँ पर तो डायरेक्ट हीट आ ही नहीं रही थी हमारे पास हीट आ ही नहीं रही थी लेकिन अब ये जो फेस हो गया है ये आपका अर्थ का जो फेस आया सन की डायरेक्ट हीट की तरफ आ जाता है ठीक है तो यानी कि इसके ऊपर जो है वो सनरेज हमारी गिर रही है तो ये जो सनरेज आती है इसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ ये इसका जो फेस होता है सन अर्थ का वो सन की तरफ होता है एंड विच रिजल्ट इन टू मैक्मम हीट इसकी वजह से हमारे पास मैक्सिमम हीट आती है एंड बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम हीट यहां पर जो होता है ये काफी हॉट हमारे पास समर हो जाते हैं राइट समर तो यानी कि मार्च से लेकर हम मे तक की बात करें तो हमारे पास रहता है समर लेकिन अब यही टाइम है कि यहां पर तो देखिए कि इंडिया के अंदर तो हमारा नदन क्योंकि नदन हेमिसफेयर के अंदर आ गया तो यहां पर समर हो गया बट देर आर फ्यू कंट्रीज़ कई सारी कंट्रीज़ है जो कि आपके इक्वेटर से नीचे है जैसे कि हम लोग बात करें ब्राज़ील हो गया राइट right, हमारा साउथ अफ्रीका हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया तो यहाँ पर इस समय पर क्या चल रहा होता है कि यहाँ पर जब हमारे यहाँ समर है तो यहाँ पर विंटर है ठीक है और यहाँ पर समर्स कब होता है इन कंट्रीज़ के अंदर जैसे हम देखें ये नवंबर टू फेबररी इस महीने में यहाँ पर समर होता है जस्ट अपोजिट हमारा बिल्कुल अपोजिट हो जाता है right? राइट तो अब इसके अंदर जैसे मैं ये दिखा रही हूँ आपको इस तरह से अगर हम ध्यान से देखें तो यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये चेंजेस आते हैं एंड आपको पता होना चाहिए ये हॉट वेदर सीजन का है जब हमारे यहाँ पर गर्मियाँ हैं तो ऑस्ट्रेलिया एंड इन कंट्रीज इक्वेटर से नीचे वहाँ सर्दियाँ होंगी जब वहाँ सर्दियाँ होंगी तो हमारे यहाँ पर गर्मियाँ होंगी राइट ना इसी के बाद अगर मैं नेक्स्ट इसमें और देखूँ आपका तो देखिए इसमें जैसे हम बोल रहे हैं कि अब पेनेंसुलर इंडिया की अगर हम बात करें जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि दिस इज़ आर पेनेंसुलर कंट्री ना यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो पेनेंसुलर कंट्री है हमारा जो कंट्री uh, हम अपने कंट्री के बारे में बात करें पेनसुला तो ये क्या है कि इट्स कवर्ड विद वाटर तीन तरफ से और मैक्सिमम अगर देखा जाए तो टेम्परेचर यहाँ पर इट इज़ ऑलमोस्ट मॉडरेट ओनली इसका सब कॉन्टिनेंट में बिकॉज इट इज़ फॉलिंग अबव द इक्वेटर हमारा ये अबव द इक्वेटर है लेकिन क्योंकि ये सराउंडड बाई वाटर फ्राम थ्री साइड तो इसी वजह से क्या होता है कि ये जो विंड्स आती हैं हमारे तीनों तरफ से ये टेम्परेचर को क्या कर देती है थोड़ा सा मेंटेन कर देती है कंट्री के लिए इसीलिए शायद हमारे यहाँ पर ज़्यादा गर्म नहीं होता दो हमारा जो पूरा सब कॉन्टिनेंट कंट्री है इट इज़ अबव इक्वेटर बट देन ऑल्सो बिकॉज ऑफ द विंड्स फ्रॉम द थ्री साइड जो वाटर है इसकी वजह से हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन हो जाता है बट समर मंथ के अंदर देखिए क्या होता है कि टेम्परेचर राइज करेगा ठीक है टेम्परेचर राइज़ करेगा तो इसकी वजह से एयर प्रेशर क्या होगा एयर प्रेशर बिल्कुल कम होने लग जाएगा लो होने लगा, और इसी वजह से और ये हमको एक चीज़ ऑलरेडी पता है कि लैंड जो होता है इट यू नो इट गेट्स हीटेड फास्ट एज कम्पेयर टू वाटर अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा कंट्री के जो अंदर का एरिया है यहाँ पर तो हमारा क्या हो जाएगा लो प्रेशर और जबकि जो पानी वाला जो एरिया है यहाँ पर हो जाएगा हमारा हाई प्रेशर एंड एज वी आर अवेयर कि जो हमेशा विंड मूव करती है इट मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर राइट और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो लो प्रेशर का जोन जो होगा ये अट्रैक्ट करेगा ये जो जोन है लो प्रेशर वाला ये अट्रैक्ट करेगा इन विंड्स को अपनी तरफ ठीक है और जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो यहाँ से विंड्स जाएंगी जो हमारे समुद्र के पानी के किनारे से जो विंड्स जाएंगी ये अपने साथ इट विल टेक स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वाटर uh, थोड़े से मॉइस्चर अपने साथ लेके जाएंगी एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ से छोटे छोटे शावर्स हमारे जो स्टार्ट हो जाता है यानी कि रेनफॉल की शुरुआत हो जाती है एंड दिस इज द रीज़न क्योंकि सबसे पहले इधर से तो ये जो मलाबार कोस्ट वाला जो रीज़न आता है हमारा केरला यहाँ पर सबसे पहले हमारा मानसून आ जाता है यानी कि ठीक समर सीजन के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज आर मॉनसून बट यहाँ से जो मैंने बोला है कि ये जो विंड जाएंगी मॉइस्चर मॉइस्चरलेटन विंड्स यह इट विल रिजल्ट इनटू प्री शावर मॉनसून हमारा शुरू होगा जो कि केरला एंड आपका कर्नाटका में शुरुआत होती है ठीक है केरला एंड कर्नाटका सो so, ये तो हो गए हमारे दो इंपॉर्टेंट सीजन थर्ड जो था एडवांसिंग जो कि मैं आपको अपने पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ एडवांसिंग यानी कि मानसून सीजन जिसको हम रेनी सीजन भी बोलते हैं ये हमारा जून टू सेप्टेम्बर होता है ठीक है अब इसमें क्या होता है कि जो लो प्रेशर बेल्ट जो होती है जो कि हमारी क्रिएट होती है लैंड मास के ऊपर है ना ये जनरली लैंड मास के ऊपर ओरिजिनेट होती है एंड उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे करके अब जो सन की पोजीशन आती है इक्वेटर या गया ये हमारा इधर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हमारा सन आ जाता है एडवांसिंग मॉनसून के टाइम पर ठीक है ना ट्वेंटी फर्स्ट जून को अगर हम देखें तो इसके बाद लो प्रेशर यहाँ पर जो होता है वो क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो साउथ ट्रेड विंड्स हैं जो साउथ ईस्ट सदर्न एमोस्फियर से जो आती है यहाँ से जो ट्रेड विंड्स आएंगी ये वाले ट्रेड विंड जो ये इधर जो हमारा जहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ है वो इन ट्रेड विंड्स को अपनी तरफ जो क्या करता है अट्रैक्ट करता है जैसे कि अगर मैं अपने कंट्री की बात करूँ ये देखिए ये तो हमारा हो गया पूरा का पूरा लो प्रेशर एरिया ठीक है ना और यहां से क्या होती है कि ये हमारे आ गई साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स अब ये क्या होगी कि यहाँ से ये जाते ही हमारे ये मूव करती है लेफ्ट साइड की तरफ जो है ये टर्न होनी लग जाती है ना देखिए लेफ्ट की तरफ ही क्यों होती है दिस इज बिकॉज ऑफ द कोरियोलिसिस फोर्स जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब सदर्न हेमिसफेयर से आती है तो इट ऑलवेज मूव टूवर्ड्स लेफ्ट और नदर्न हेमिसफेयर से जो ऊपर आती है तो इट मूव्स टूवर्ड्स राइट ठीक है कोरोलिस फोर्स मेरे पहले वाले वीडियोज में आप देख लीजिएगा एंड ना बिकॉज ऑफ दिस ये जो साउथ वेस्ट मानसून ये जो विंड आई साउथ वेस्ट मानसून ये विंड जो होती है ये क्या करती है यहाँ से जब जाती है तो दिस डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स ये साउथ वेस्ट, वेस्ट विंड जो होती है हमारी ये दो पार्ट ब्रांचेस में डिवाइड करती है वन इज़ योर अरेबियन सी ब्रांच अनदर इज़ योर बे ऑफ बंगाल ब्रांच ना अब अगर मैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ब्रांच के बारे में बात करूँ तो देखिए इसमें अगर हम ध्यान से देखते हैं ये देखिए कि ये हमारा ये थोड़ा सा मैं रफ़ में बता रही हूँ ठीक है अब जो अरेबिन सी की तरफ जो ब्रांच की तरफ जो ये हमारी आई है विंड्स ये क्या करेगी सबसे पहले केरला में हिट करती है और ये मलाबार वाला जो पूरा कोस्ट हो जाता है यहाँ पर हमारी मैक्सिमम रेनफॉल हो जाती है ठीक है अब ये दो पार्ट्स में है दो साइड में होती है वन इज योर विंडवर्ड साइड एंड दूसरी दु, जो सेकेंड इज योर लीवर्ड साइड ना विनवर्ड साइड में तो आपकी रेनफॉल होगी बट लीवर्ड साइड में विल बी मिनिमम बहुत ही कम होती है इस तरफ रेन कम होती है इस तरफ रेन ज़्यादा होती है यहाँ से ये फर्स्ट जून को सबसे पहले मानसून आ जाता है हमारा केरला के अंदर मैं पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ वहाँ से मुंबई जाता है टेंथ जून और दिस इज हाउ ये पूरा सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है राइट सो दिस इज़ अबाउट इधर से जो बे ऑफ बंगाल वाली जो होती है जो बे ऑफ़ बंगाल वाली यहाँ से जो जाती है हमारी ये देखिए नॉर्थ ईस्ट जो पूरा सेवन सिस्टर्स है यहाँ पर हमारा जैसे ड्रम हो गया ठीक है जहाँ पर ट्वेल्व हंड्रेड सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होती है एनवली एंड दूसरा हो गया आपका चेरापूंजी जहाँ पर होती है हमारी इलेवन हंड्रेड सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है ठीक है और उसके बाद ये जो है दो हमारे ये कई बार क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दीज ये यहाँ पर कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ इसके नुकसान भी है क्योंकि देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल वाले मैंने मैं आपको बताया था कि जैसे राजस्थान वगैरह एरिया में बहुत ही लो होता है तो कहीं पर बहुत ही ज़्यादा होता है तो अगर वो एरियाज जहाँ पर हाई रेनफॉल होगा तो वहाँ पर तो फ्लड के चांसेज हैं ठीक है थीके? वो एरियाज जहाँ पर लो रेनफॉल होगा वहाँ पर ड्रॉट के चांसेज़ हैं तो इस तरह से इसके कुछ नुकसान भी है कुछ इसके फ़ायदे भी है इस तरफ जैसे बहुत ज़्यादा आपका फ्लड का चांसेस है तो इस तरफ आपके ड्रॉट के चांसेस होते हैं राइट तो दिस इज़ आर एडवांसिंग मॉनसून जो कि मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा मैं पहले भी इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लेट लेटेज मूव टू रिट्रीटिंग ना ये फोर्थ वाला जो आया हमारा रिट्रीटिंग सीजन ये हमारा ऑटम का है बेसिकली जिसको हम ऑटम बोलते हैं ऑटम एंड दिस इज फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर दिस पीरियड इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर एंड वी नो कि अब अक्टूबर टू नवंबर में जैसे इससे पहले मैंने कहा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के हमारा सन uh, था इधर की तरफ तो अब वो मूव करने लगता है इट मूव्स टूवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ़ केपरिकॉन इधर की तरफ आने लगेगा राइट एंड बिकॉज ऑफ द आई जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि वो है क्या अब ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंडस होती हैं जो मैंने अभी यहाँ पर बताया था कि इसमें थोड़ा सा वीक होने लग जाती है इस तरफ वाली तो ये जो होती है वापस अब स्ट्रांग होने लग जाती है री एस्टेब्लिश हो जाती है एंड उसके बाद ये जो साउथ वेस्ट जो नीचे वाली जो थी वो तो चली जाती है आपकी लैंड टू सी ये जो साउथ वेस्ट जो यहाँ पर गई थी ये देखिए ये मैं ऐसे करके बता रही हूं ये जो इससे पहले ये जो साउथ वेस्ट, वेस्ट वाली जो विंड्स गई थी एक आपकी ब्रांच गई अरेबियन सी दूसरी गई आपकी बे ऑफ बंगाल ये वापस लैंड टू सी की तरफ आने लग जाती है राइट तो इसकी वजह से ये तो बिल्कुल ड्राई आती है क्यों क्योंकि ये आपका बिल्कुल लैंड एरिया से आ रही है तो ये ड्राई होती है लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट वाली थी जो इस तरफ वाली थी वो अब आके गिरने लगती है कोरोमंडल कोस्ट पर ठीक है ना दिस इज आर कोरोमंडल कोस्ट ना यहां पर आके क्योंकि ये वाले इधर से आ रही होती है तो सी की तरफ से ये ब्लॉक कर रही है सी यहाँ आपके इधर से नीचे से सी की तरफ से ब्लॉक करती है तो जब ये ब्लॉक करेगी तो विद मॉइस्चर तो जिसकी वजह से कोरोमंडल कोस्ट में इस समय पर हमारी बारिश होती है राइट सो दिस इज अबाउट रीट रिटिंग मानसून अब नाउ लास्ट टॉपिक है आपका कि मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड तो इसकी अगर हम बात करें तो यस मानसून प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड नाउ हाउ इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल देखिए सारे फ्लोरा एंड फोना अगर सर्वाइव कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ मानसून बिना पानी के नथिंग इज पॉसिबल एंड इंडिया बींग इन टू द ट्रॉपिकल रीजन वी नीड दिस चाहे वो ट्रॉपिकल हमारा डेसीडियस फॉरेस्ट हो चाहे रेन फॉरेस्ट हो वी नीड मानसून राइट सेकेंड इंडिया बींग अ एग्रीग्रियन कंट्री हमें पता है फिफ्टी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन पूरा एग्रीकल्चर पर डिपेंड है एंड वो मानसून के ऊपर डिपेंड है तो दिस इज मस्ट थर्ड इज़ योर कि जितने भी फेस्टिविटीज़ है हमारी लाइफ के अंदर एवरी थिंग डिपेंड्स ऑन दिस ओनली पूरा इसके चारों तरफ ही ये सर्कल घूमता है, है मानसून पर अगर नहीं होगा तो इट विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर आस ओनली राइट एंड फोर्थ जितनी भी रिवर वैली रेपलिनिश जो होती है इज बिकॉज ऑफ द मानसून पानी आता है रिवर्स के अंदर जो सूखी हुई रिवर्स है वो वापस बढ़ जाती है कई सारी चीज़ें हमारे ह्यूमन कंज्पशन के लिए इट इज गुड फॉर एग्रीकल्चर इट इज गुड सो दिस इज द रीजन दिस आर द रीजन की वाई मानसून एक्ट एज यूनिफाइंग बॉन्ड सो आई होप द टॉपिक्स आर क्लियर विद यू ऑल इन केस इफ एनी डाउट प्लीज ड्रॉप योर क्वेरीज इन कमेंट बॉक्स एंड सेकेंडली देर इज अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप उसको करेंगे तो यू कैन रिवाइज योर टॉपिक बाय अटेम्प्टिंग अ टेस्ट थैंक यू सो मच